और चलिए बात करेंगे राजकोट गेमिंग जोन हादसे की, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद अब खुद कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले में और मैन मेड डिजास्टर पर आज जो है कोर्ट की तरफ से सुनवाई होगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि शवों की डीएनए रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है, क्योंकि शव इतने झुलस चुके हैं कि परिवार वाले भी नहीं पहचान पा रहे हैं अपनों को। आरोपी मालिक युवराज सिंह और मैनेजर नितिन जैन को भी आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरा अपडेट क्या है इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। राजकोट अग्निकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखने के बाद आग लगने की वजह साफ हो गई है। दरअसल गेमिंग जोन के एक्सटेंशन एरिया में वेल्डिंग की वजह से आग लगी थी। इस वीडियो को देखिए, एक्सटेंशन एरिया में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नजर नहीं आ रहा। कुछ देर बाद एक कोने से धुआं उठता दिखाई देता है। एक और वीडियो देखिए, इस वीडियो में कुछ लोग दौड़ते भागते दिखाई दे रहे हैं, एक कोने से आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग मौके पर पहुंचते हैं और परिसर में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसे काबू करना मुश्किल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकामयाब साबित हुई। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि रेनोवेशन का काम और गेम जोन दोनों एक साथ चल रहे थे, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ और आखिरकार ये लोग अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले। इसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा गेमिंग जोन इस भीषण आग की चपेट में आ गया। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में 12 बच्चों सहित 28 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। वहीं इस मामले का गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इसे मैन मेड डिजास्टर बताया है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और आज शवों की डीएनए रिपोर्ट आने की उम्मीद है।